अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में बाबूजी वनराज शाह को बताएंगे कि उसे अगर ये घर बेचना है तो उसे कागजे पर अनुपमा के भी साइन चाहिए होंगे। जी हाँ, एपिसोड में वनराज शाह को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी ना चाहते हुए भी एक बार फिर अनुपमा की तरफ मुड़ गई है। उधर अनुज कपाड़िया और अनुपमा की पहली मुलाकात कैसी रहेगी, ये भी दर्शकों के सामने आएगा। तो वहीं आपको बताते हैं कि अनुपमा सीरियल के सोमवार के फुल एपिसोड का रिटेन अपडेट। अनुज कपाड़िया और अनुपमा जब आमने सामने जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहेंगे। अनुपमा जब गिरने वाली होगी तो अनुज उसे संभालेगा और फिर दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यशदीप समझ जाएगा कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो कहेगा कि क्या आप भी हम मीटिंग करें। इस पर अनुपमा तबियत खराब होने का बहाना करके वहां से चली जाएगी। अनुज कपाड़िया भी वहां से निकल जाएगा। अनुपमा एक पार्क में बैठकर अपने आप से ढेरों सवाल पूछ रही होगी और वहीं अनुज कपाड़िया भी गाड़ी में बैठकर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। जिस वक्त अनुपमा पार्क में बैठकर खुद से कह रही होगी कि अनुज उसका बीता हुआ कल है तो क्यों वो उसके सामने आया, तभी यशदीप उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा। यशदीप को इतना तो पता चल चुका है कि अनुपमा और अनुज कपाड़िया के बीच कुछ रिश्ता था, लेकिन दोनों की पूरी कहानी वो नहीं जानता। वो अनुपमा को ढांढस बंधाएगा और कॉफ़ी देते हुए कहेगा कि जब तक चाहो यहाँ बैठकर खुद को वक्त दे सकती हो, फिर वो जब कहेगी तब वो उसे घर ले जाएगा। यशदीप अनुपमा को समझाएगा कि सुपर वुमेन होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये मानने में भी बुराई नहीं है कि हम भी इंसान हैं। अनुपमा को यशदीप की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। अनुपमा यशदीप से घर चलने को कहेगी और वहीं उसे घर लेकर जाएगा। अनुपमा यशदीप के इम्प्रेस नजर आएगी। और उधर शाह निवास से जब वनराज शाह बाबूजी से इस पुराने घर को बेचकर शहर के हाई राइज टावर में फ्लैट खरीदने की बात कहेगा तो बाबूजी उसे बताएंगे कि मैं और लीला तो इन कागजों पर साइन कर देंगे, लेकिन इस घर को बेचने के लिए मुझे अनुपमा के भी साइन चाहिए होंगे क्योंकि घर में उसकी ही जिम्मेदारी है। ये सुनकर वनराज शाह गुस्से में भर जाएगा। अब देखना होगा कि वो किस तरह अनुपमा को ढूंढता है और कहानी किस तरफ आगे बढ़ती है।